दीपावली नजदीक तेज चलने लगी कुम्हारों की चाक, इस बार अच्छे बिक्री की उम्मीद। दीपावली पर धनवंती देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेज चलने लगी है। पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है, उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कुम्हारों की बस्ती में उनका परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है, रोजाना 400 से 500 दीपक बना रहे हैं। पूरा परिवार बनाता है मिट्टी के दीपक व बर्तन। निरसा चिरकुंडा में कई कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन दीपक बनाते हैं। वर्तमान में इन कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दीपक, धूपदनी, कलश, गुल्लक, कुल्हड़, मटकी आदि बनाने माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर बर्तनों को आकार दे रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि दीपावली व गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालते हैं। दूर से मिट्टी लाना, कोयला, महंगी लकड़ी खरीद कर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। घर के सदस्य दिन रात मेहनत करके एक दिन में 400 से 500 दीपक बना पाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है, जिसके चलते लोग दीपकों का उपयोग महज पूजन के लिए ही करने लगे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति को खोता जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस दीपावली में मिट्टी से दीपक बने को ही जलाएं, जिससे प्राकृतिक के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। एवं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि हम सभी कुम्हार जातियों को प्रोत्साहन दे और हमारी कला को तवज्जो दे, जिससे हम सभी कुम्हारों का घर परिवार अच्छी तरह से चल सके। दो साल कोरोना काल में जो स्थितियाँ सिर्फ मुझ पर ही नहीं पूरे देश पर आई थी, और हमारे देशवासी इस कोरोना काल से बहुत जूझे, ऐसे पार भी पाए हैं। और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वैक्सीन ने बहुत काम किया है, जो इस साल का मुझे लगता है इस साल की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। हमारा जो कार्य है, उम्मीद है, विश्वास है कि इस साल का मार्केट हमारा दीपक कलश का अच्छा रहेगा। कहते हैं तो दुनिया में हर चीज़ में फेंटा जा सकता है, मगर हमारे माँ मातृ मिट्टी में कोई फेंटा नहीं जाता है। ये शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। कहा जाता है छठा अंधेरा हुआ सवेरा, सूरज ने ऊर्जा फैलाया है, दूर हुआ धरती से अंधेरा, हर जीवन ने दीप जलाया है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगर भारत में खुशी लाना चाहते हैं तो अपने घर के वस्तुओं को अपनाएं। चाइनीज लाइट का बहिष्कार, चाइनीज लाइट को चाइनीज ही लाइट ने, यानी कि जितने भी बाहर के आने की विदेशी सामान है सबका बहिष्कार करें, सिर्फ घर का ही सामान यूज करें। हमारे भारत की धरती में हर रूप की शक्ति है, आपको अपनी माँ में अपने घर के सामान में क्यों ना विश्वास हो रही है। अपील ये करना चाहता हूँ कि हमारी कुम्हार जी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उसे बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, कहीं पर माटी नहीं, कहीं पर कोयला नहीं, कहीं पर काम करने की जमीन नहीं है। अगर कुम्हार हमारे कुम्हारे भाइयों को अगर सरकार थोड़ा मदद कर दे, कहूँ भूखंड देते, थोड़ा माटी उपलब्ध कराते हैं, कोयला उपलब्ध कराते हैं, तो हमारे कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलेगी सरकार से, और हमारे कलाकार देश के लिए कुछ करना चाहते।